कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। देश में भी कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस जानलेवा वायरस के आंकड़े भारत में 39 लाख के पार जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 83,341 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,096 लोगों की मौत हुई है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 39,36,747 पहुंच चुकी है। इस वायरस की चपेट में आकर 68,472 लोग जान गंवा चुके हैं। डिस्चार्ज हुए लोगों का आंकड़ा 30,37,151 पर पहुंच चुका है। बता दें, देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। न्यूज़ डेस्क।